Hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Ranjana and if you are watching this face for the first time and if you like what you see in this video then I will highly recommend ki aap mere is video ko like kijiye, channel ko subscribe kijiye aur saath hi saath bell notification ko hit karna bilkul na bhuliyega taki aapko aane wala mera koi bhi update miss na ho. So guys, aaj ka ye mera haul video hai jisme maine buy kiye hain Flipkart ki widest range of collection se kurta plazo hain aur saath hi kurtas bhi hain jo आगे आने वाला फेस्टिव सीजन है उसके लिए मैंने इन सारी की सारी ड्रेसेस को अनबिलीवेबली अफोर्डेबल प्राइसेस पे बाय किया है. एंड आई हैव टू से इफ देयर इज एनीथिंग ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया और इन जनरल, आपको कोई भी ड्रेस अच्छी लग रही है, कोई भी ड्रेस ट्रेंड कर रही है, आपको वो फ्लिपकार्ट पे अनबिलीवेबल प्राइसेस पे मिल जाएगी. साथ ही साथ दे गिव यू रियली फास्ट डिलीवरी और अगर आपको कोई ड्रेस पसंद ना आए, नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी. I think that is the best policy I've ever come across. So अगर आपको मेरी इस हॉल में से कोई भी ड्रेस पसंद आती है, so नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको हॉल पैक का लिंक दिया है जहाँ पर आपको सारी की सारी ड्रेसेस एक साथ देखने को मिल जाएगी. जो भी पसंद आती है आप उसे वहाँ से अपने लिए बाई कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक समथिंग मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विद माई कुर्ता एंड स्कर्ट का सेट. अभी उसमें ये है इसका कुर्ता और उसके साथ आपको मिलती है ये उसकी स्कर्ट है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ता फर्स्ट. सो आपको मिलेगा रेयॉन फैब्रिक का कुर्ता जिसको मैंने बाय किया है साइज एस में. बेसिकली ये एक फॉयल प्रिंट का कुर्ता है. एज यू कैन ऑलरेडी सी इस पे ब्यूटीफुल से गोल्डन कलर के फॉयल प्रिंट हैं. ये प्रिंट्स आपको आगे भी मिलेंगे और पीछे भी मिलेंगे, सेम ऑन द स्लीव जो कि है 3/4. नाउ ये कुर्ता की फिटिंग मुझे इन जनरल काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा. इस पर आपको सीक्वेन का वर्क भी मिलता है, बीट का वर्क भी है. आई थिंक आपको कैमरा पे नहीं दिखाई देगा बट इन फ्लावर्स में आपको बीट का वर्क भी मिला है. आई डेफिनेटली लव दिस कुर्ता. द ओनली डिफरेंस विच आई थिंक कि जब मैंने इसको पिक्चर में देखा था ये थोड़ा सा कलर इसका ज़्यादा डार्क था, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मरून, बट रिसीव हुआ है तो हल्का सा रेड ज़्यादा है, मरून कम है. अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिटिंग कुर्ता. एंड उसके बाद अगर बात करूँ इसकी स्कर्ट की, सो इस वीडियो में नोटिस कीजिएगा मैंने मोस्टली कुर्ताज के साथ इसे पेयर किया है बिकॉज दिस इज़ सच अ वर्सेटाइल स्कर्ट. अगर आपके पास ऐसी कोई भी ड्रेस है, कोई भी स्कर्ट है, तो आप उसको बहुत सारी ड्रेसेस पे, स्पेशली इंडियन जो एक फेस्टिव सीजन होता है या वेडिंग सीजन होता है, उसमें आप ज़रूर से वेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द स्कर्ट लुक्स लाइक. बेसिकली ये बेज कलर की स्कर्ट है जिसमें रेड कलर से आपको प्रिंट का वर्क मिला है, साथ ही गोटा पट्टी के वर्क से भी यहाँ पर लाइनिंग दी गई है. बेसिकली दोनों तरफ से इलास्टिक है. फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, मेरी 5'3" की हाइट पर है और जिसमें मैंने इसको अपने वेस्ट से ऊपर से पहना है. इन शॉर्ट फॉर आई एम ट्राइंग टू से इसकी इस स्कर्ट की लेंथ अच्छी खासी है और घेर भी आप देख सकते हैं, घेर भी इसमें एक स्कर्ट जितना ही है, मतलब अच्छा खासा घेर है. तो आपके किसी भी इंडियन अटायर को ये इंस्टेंटली एक यू नो फेस्टिव या वेडिंग का लुक मिलता है बिकॉज ऑफ दिस स्कर्ट. सो मोर देन कुर्ता आई लाइक दिस स्कर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट वॉज़ अ पैक सो आई लव बोथ ऑफ दीज आइटम. अगर आपको पसंद आए सो लाइक आई सेड नीचे हॉल पैक का लिंक है, आप वहाँ से इस ड्रेस को बाय करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई नेक्स्ट ब्यूटिफुल फेस्टिव और वेडिंग स्पेशल ड्रेस. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव अ कुर्ता फ्रॉम द ब्रांड पोशाक एंड दिस इज़ हाउ माई अनारकली कुर्ता लुक्स लाइक. इट्स अ डार्क ब्लू कलर कुर्ता बट इफ़ यू लाइक द पैटर्न, इफ़ यू लाइक द एंटायर लुक, तो ये और भी बहुत सारे लाइक रेड, पिंक और यू नो स्काई ब्लू और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स में अवेलेबल है. यू शुड डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई. सो पीछे आपको ये देखिए लटकन मिलती है बांधने के लिए नेक एरिया पे. उसके बाद ये पूरा का पूरा अनारकली पैटर्न का कुर्ता है. ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा इसका कलर है. एंड आई हैव टू ऐड दिस पॉइंट कि अगर आप इसको यू नो वेडिंग्स के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए, मतलब जिस प्राइस पे आपको ये कुर्ता मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक, इसकी फिटिंग सब कमाल की हैं. अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो बेसिकली देखिए फॉयल प्रिंटेड कुर्ता है, अनारकली कुर्ता है, आगे और पीछे पूरे के पूरे बढ़िया सा
ढेर है इसमें, तो वो ड्रेस को एक और अच्छा लुक देता है। और मैंने इस कुर्ता को भी जो मैंने आपको प्रीवियस ड्रेस दिखाई है उसकी स्कर्ट के साथ वेयर किया है, तो ओवरऑल जब आप इस ड्रेस को पहनते हैं तो इससे आपको काफ़ी एक यू नो लंबी हाइट का लुक भी मिलता है, विच वॉज अनदर प्लस। तो मुझे काफ़ी अच्छी हाइट भी लग रही थी अपनी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कुर्ता में ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। बाय द वे इट कम्स विथ कैप स्लीव, ये देखिए, वेट, ओके, या सो इट कम्स विथ कैप स्लीव, और काफ़ी इस बेहतरीन से मौसम के लिए काफ़ी बेहतरीन सी चॉइस है ये। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस ड्रेस अ ट्राई, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव अ कुर्ता विच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अफोर्डेबल कुर्ता फ्रॉम दिस हॉल, एंड आई डोंट सी द ब्रांड। ओके, सो दिस वन इज़ अ रेयन फैब्रिक कुर्ता, एज यू कैन सी दिस इज़ रियली रियली सॉफ्ट। तो मिलता है आपको 3/4 स्लीव के साथ, यहाँ पे भी प्रिंट है और साथ ही साथ इसके नेक पर भी प्रिंट है, पीछे आपको की होल पैटर्न मिलता है, और इस कुर्ता की फिटिंग भी बहुत अच्छी है। एंड समर्स में, लाइक समर्स एंड जो इस समय जो सीज़न है बेसिकली, उसमें आपको ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छे लगने चाहिए जो ब्रीदेबल होते हैं। सो दिस इज़ रियली रियली लाइट वेट एंड इट्स डेफिनेटली ब्रीदेबल, बट ये ज़रा सा भी सी थ्रू नहीं है। मैंने इसको वेयर किया है मेरी जीन्स के साथ, तो मेरे हिसाब से यू नो अगर आप क्लासेस जाते हैं या फिर अगर आप यू नो कॉलेज जाती हैं या फिर इवन फॉर ऑफिस, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक सिंपल सा चिल सा लुक है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर इट वाज फॉर रुपीज 400 समथिंग, सो इट्स डेफिनेटली अफोर्डेबल। बाय द वे मेरी हाइट पर ये है एक काफ लेंथ का कुर्ता, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा यू नो एक ग्रुप को भी सूट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम ए नॉर्मल हाइट पर्सन, सो काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को ये कुर्ता काफ लेंथ या फिर नी लेंथ का आएगा, सो आई थिंक आपको लेके ट्राई करना चाहिए। और राइट, सो नेक्स्ट आई हैव अ कुर्ता एंड ट्राउज़र का सेट फ्रॉम दी ब्रांड लिबास, एंड बाय द वे इन सारे के सारे ड्रेसेस में मेरा साइज़ एस है, और उसमें जो सबसे पहले ये मेरा जो पीस है, दिस इज़ हाउ माई कुर्ता लुक्स लाइक। बेसिकली ये ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर का कुर्ता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, ये जो आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं बेसिकली ये एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स हैं इस पर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है इस पर। उसके बाद इसका जो नेक है ये बहुत ज़्यादा हाई या डीप नहीं है, डेली वेयर के लिए इट्स अ परफेक्ट चॉइस। इसका फैब्रिक है कॉटन, और मेरी हाइट पर अगेन ये है काफ लेंथ का कुर्ता, तो जो आपको एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर मिल रहे थे ये सिर्फ फ्रंट सेक्शन में है, बैक सेक्शन पूरा का पूरा प्लेन है। और उसके बाद आपको स्लीव पर मिलती है डार्क ब्लू कलर की एक स्ट्राइप मिलती है, सेम कलर है इसके प्लाजो का, तो नॉट प्लाजो एक्चुअली दीज आर ट्राउजर्स। सो ये देखिए, आगे से पैंट पीछे से इलास्टिक का पैटर्न, आपको दोनों साइड इसमें मिलती है पॉकेट, विच वॉज रियली नाइस फैक्टर फॉर मी। सो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ट्राउज़र हैं, बिल्कुल भी लाइक टाइट नहीं है, बिल्कुल भी लूज नहीं है, और इनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक आई सेड, डेली वेयर के लिए आई डेफिनेटली प्रेफर द आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा यू नो चिपके नहीं हो, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो, दे शुड बी कम्फर्टेबल, दैट्स व्हाट आई मीन। तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये पूरा का पूरा सेट, अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इन्हें बाय करते हैं तो आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। ओके, नेक्स्ट आई हैव एन आइटम फ्रॉम दी ब्रांड इंडोएरा, और उसमें मैंने बाय किया है, या साइज ऐसी है। और उसके बाद दिस इज़ अनदर रेयन फैब्रिक कुर्ता, सो दिस इज़ हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक। बेसिकली ये इस पर प्रिंट बने हुए हैं, ये हैं आगे, और सेम प्रिंट आपको पीछे भी मिलेंगे। नाउ इस कुर्ता को वैसे तो मैंने स्कर्ट के साथ पेयर किया है, बट अगर आप चाहें तो इसको अपने यू नो ट्राउजर्स के साथ अगेन या फिर गोल्डन पैंट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, उसके साथ भी इक्वली अच्छा लगेगा। सो इसकी स्लीव भी कम्फर्टेबल है, इसकी फिटिंग भी कम्फर्टेबल है, और इसको पहनने के बाद आपको लुक भी काफ़ी कम्फर्टेबल मिलता है, बहुत ज़्यादा यू नो झटैक वाला लुक नहीं है, सिंपल है, सोबर है। अगर दिस इज़ व्हाट योर चॉइस, लाइक अगर आपको सिंपल कपड़े पहनना पसंद है तो ये एक कुर्ता आपको ज़रूर से पसंद आएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, ये था मेरा इस हॉल के फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए कुर्ता एंड कुर्ता प्लाजो के सेट। आई एम प्रीटी श्योर आपको ज़रूर से अच्छे लगे होंगे, इट वॉज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ यू नो फेस्टिव एंड डेली वेयर एंड स्टफ। सो आपको अगर ये कलेक्शन अच्छा लगा, सो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस दो वीडियोज़ देखने के लिए आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है यहाँ, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून, तब तक के लिए बाय।